मेरी तबीयत तो नहीं ठीक थी, लेकिन माता रानी की कृपा से मेरी तबीयत ठीक हो गई। आज आई है फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने सारी मेमोरी मेरे ब्लॉग के थ्रू कैप्चर हुई और आप सब भी देख पा रहे हो मुझे। हेलो गाइस, आज मेरा नवरात्रि का पहला ब्लॉग है। मैं माता रानी का पूजा कर रही हूँ। मुझे पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन बहुत लगता है। गाइस, मेरी तबीयत तो नहीं ठीक थी, लेकिन माता रानी की कृपा से मेरी तबीयत ठीक हो गई। मैं तो नहीं सोची थी कि पूजा मैं करूँगी, सोचती थी मैं कैसे पूजा करूँगी, लेकिन माता रानी का ऐसी कृपा हुई कि मुझे इतना जल्दी ठीक कर दी कि मैं आज उनकी पूजा अच्छे से कर रही हूँ। और ना मुझे भूख लग रहा है, ना मुझे प्यास लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा तबीयत ही नहीं खराब हुआ था। बस सब माता रानी की ही कृपा है कि माँ ऐसे ही कृपा बनाए रखना हम पर, हमारे बच्चों पर, आप लोग पे भी माता रानी कृपा करें। गाइस, ये माता रानी की चुंदरी मैं अपने हाथ से बनाई हूँ, इनका आसन भी मैं ये बनाई थी, ये फूल भी अपने घर का ही माँ दी है, उन्हीं का है, ये सब मेरा नहीं है कुछ। ये मैं लहंगा भी माँ का अपने हाथ से बनाई, तो माता रानी का श्रृंगार भी मैं अपने हाथ से ही करी हूँ। माँ कितनी सुंदर लग रही हैं, हमको तो बहुत सुंदर लग रही हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि माता रानी कैसी लग रही हैं, हमको तो बहुत सुंदर लग रही हैं मेरी माँ। मैं चोकर पहनाई हुई है माँ का, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बाल लगा है माँ का, सब मैं पूरा श्रृंगार करी हूँ अपने हाथ से माता रानी का। ये घर का फूल है ये सब, देखो माता रानी, मेरे लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं सच। भोग भी सब देखिए, माता रानी का सब भोग प्रसाद। और ये घड़ी में इनके लिए ना गर्मी आ गई है ना, तो मैं इनके लिए ये ठंडा पानी रखी हूँ उसमें। मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे गिलास में पानी रखो तो गर्म हो जाता है, इसलिए मैं घड़े में पानी रखती हूँ ताकि ठंडा ठंडा पानी रहे। और गिलास का पानी आजकल गर्म हो जा रहा है। जय माता दी। गाइस, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और आज है मेरा फास्ट, मैंने व्रत किया है। मेरा व्रत रहता है नवरात्रि का फर्स्ट डे और लास्ट डे मतलब अष्टमी वाला दिन। तो आज मैंने सुबह रेडी होकर माता के मंदिर में माता की सेवा में आ गई हूँ और मैं यहाँ कर रही हूँ नारियल ली हूँ, इसमें ऐसे कलश बनेगा तो मैं इस पर बना रही हूँ स्वास्तिक। मैं ही बनाती हूँ हर साल यहाँ पे, मम्मी भी बनाती हैं, मैं बनाती हूँ ज़्यादा मैं ही बनाती हूँ, तो मैं इस पर स्वास्तिक बना रही हूँ। ये मैंने बना लिया स्वास्तिक और नारियल पे और इस पे कलश इस पे बनेगा, तो ये मेरा बन चुका है। हाय गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र नवरात्रि का, तो आज से मेरा मतलब आज मेरा पहला व्रत है, मतलब मैंने लाइफ टाइम अभी तक व्रत नहीं रखा था, तो आज मेरा पहला व्रत है वो भी नवरात्रि का। तो आई होप ये डे अच्छा जाएगा, वैसे अच्छा जाएगा, माता रानी की कृपा रहेगी तो। और गाइस आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे ना भूख बहुत लगती है, तो मेरे लिए व्रत ना थोड़ा टफ पड़ सकता है, बट सुन सब बोलते हैं कि माता रानी की जब कृपा होती है ना तो भूख को कुछ नहीं लगता और पूरा व्रत अच्छे से जाता है। वैसे मैं फ़िलहाल सुबह के अभी आलू छील रही हूँ, आलू बनते हैं नाश्ते में, तो मुझे काम पर लगा दिया गया। मैं अच्छा ठीक है, मैं आलू छील रही हूँ। हाँ तो गाइस, मैं यहाँ बना रही हूँ व्रत का फलाहार और उसके लिए मैं फ्राई कर रही हूँ मूंगफली। अभी बहुत कुछ बनाना है, आलू फ्राई करना है, सिंघारे का हलवा, देखो पता नहीं क्या क्या बनाती हूँ। फिलहाल तो अभी मूंगफली फ्राई कर रही हूँ। तो गाइस अभी दोनों बहनें मिलकर व्रत का काम कर रही हैं नवरात्रि के दिनों का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तुम्हें मजा आ रहा है मेरे साथ काम करते हुए? बहुत
आना भी चाहिए। मम्मी की दोनों बेटियां कर रही हैं किचन में काम, मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आप में से कौन कौन नवरात्रि का व्रत रखता है। तो गाइस इनसे मिलिए, ये है मेरी बड़ी दीदी और आज आई है फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में। यस हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। गाइस इनको देखो, मेरा फेस इनसे मैच करता है ना, बहुत ज्यादा मैच करता है दीदी का। कैसे बनेगा मम्मी? कढ़ाई रखनी कैसे? हाँ। मिर्ची का तड़का लगा दो। हाँ। और फिर वही आलू डाल के, नमक मिर्चा डाल के, धनिया डाल देना, देखो हींग मत डाल देना, ठीक है? राई और मेथी में मत डालना, वो तेरा फेवरेट है ना, हर चीज में तो डालती रहती है। ठीक है, नहीं डालूंगी भाई। गाइस मुझे आलू फ्राई करने की जिम्मेदारी दी गई है और बोला गया है कि तुम्हें फ्राई करने समय जीरा, हींग, मेथी ये सब चीजें नहीं डालनी है, क्योंकि मेरा ना फेवरेट है, मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो उसको पक्का डालती हूँ, तो इसको मना किया गया है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। हम ये कहाँ पे लगेगा दीदी? ये गेट में लगता है ना, ये बंद वार है और ये लगता है गेट इधर। अच्छा ये गेट पे, मुझे लगा वो एकदम मेन गेट पे। नहीं यहाँ पे अकेले लगा लूँगी। तो मैंने ये लगा दिया है यहाँ पे बंदरवार, और ये पत्ते का बना है, आम के पत्ते का, इस पर कुमकुम और रोरी लगाई हुई हूँ। नवरात्रि में ऐसा लगाना बहुत शुभ माना जाता है, तो मम्मी ने बोला और मैंने भी लगा दिया है। ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में, बट मम्मी ने बोला है तो फॉलो करना मेरा बनता है इसीलिए। गाइस ये देखो कहाँ से चढ़ी हुई है लगाने के लिए। गाइस छोटी पड़ गई थी मैं, बोल रही थी ना, तो मैं छोटी पड़ गई थी, बोल रही थी कि मेरे से हो जाएगा अकेले, फिर उसके बाद देखिए कैसे कुर्सी लेके आई है। हैप्पी नवरात्रि सम्मी, खूब आगे तरक्की करो, बढ़ते रहो। अभी हो चुकी है शाम और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो मम्मी जलाई हुई है घर में लोहबान, जिसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है, मैं क्या बोलूँ, वो चीज़ वीडियो के थ्रू शेयर नहीं की जा सकती, मैं क्या करूँ। मुझे ना ये लोहबान की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव लगता है। तो अभी घर में हो रहा है, आरती हो रही है माता की, मैं भी जा रही हूँ आरती में शामिल होने। रना, रना, रना। तो गाइस हम लोगों ने ढोलक तबला बजाने के लिए भी दीदी को बुला लिया है। मेरी दीदी ऑल राउंडर है, सब कुछ आता है, बजाओ तुम ढोलक। भजन कीर्तन और इससे पहले गणेश जी का जो है वंदना होगी और भजन होगा, इसके बाद माता रानी का होगा, उसके बाद जयकारा होगा।
आप सभी को सुबह ही बताया था कि मेरे लाइफ का आज ये फर्स्ट व्रत है और नवरात्रि का ऑब्वियसली फर्स्ट व्रत ही होगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने सारी मेमोरी मेरी ब्लॉग के थ्रू कैप्चर हुई और आप सब भी देख पा रहे हो मुझे। और जहाँ तक बात है, मैं बहुत फूटी हूँ जिसको हर घंटे यानी हर दो दो तीन तीन घंटे पर बहुत भूख लगती है। तो आज का व्रत मेरा पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे खुद नहीं पता चला। सब कुछ माता रानी की कृपा है, सब उनका आशीर्वाद है, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। सो हमेशा उनके लिए थैंकफुल हम लोग को होना चाहिए, जो भी हम लोग के पास है उनका उनको हमें थैंक यू बोलना चाहिए ऑब्वियसली। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आज का दिन। ये था मेरा आज का नवरात्रि के फर्स्ट डे का ब्लॉग। वी होप डैट आप सभी को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, कमेंट में मुझे भी बताना कि कौन कौन आप में से व्रत था और किसने लेकिन नवरात्र का फर्स्ट व्रत था या फिर आपका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट रहते हो या तो पूरे 9 दिन रहते हो नवरात्र के, ज़रूर बताना मुझे। ओके सो गाइस, इसी के साथ आप ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।